देखिए ये ना, वाह यार, ये तो बहुत ज्यादा हैवी सा है। सैटर कभी। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं हूँ पूजा कौशिक। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं इन सभी का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये हैं टोटल 7 नेकलेसेस। प्राइस के साथ वाला स्क्रीनशॉट मैं आपके लिए लगा दूंगी, जिससे कि कोई ये ना बोले कि नहीं इतने प्राइस का नहीं है। इसका प्राइस आपने देख लिया होगा, 166 रुपीज में आपको ये मिलने वाला है। एंड इसमें एक और कलर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा प्यारा सा नेकलेस आपको मिलने वाला है। तो अगर आप सिल्वर में कुछ ढूंढ रहे हो ना, तो इस पे डेफिनेटली जा सकते हो। इसमें जो डायमंड्स लगे हुए हैं और इसकी जो शाइन है ना, वो बहुत ही प्यारी सी है। आपको एग्जैक्टली जैसा आप फोटो देख रहे हो वैसा ही मिल रहा है ये। इसके जो इयररिंग्स हैं, मतलब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी सी हैं। तो ये देखिए, मैंने इयररिंग्स तो वेयर कर लिए हैं इसके। बाकी ना, हाँ, इस ड्रेस पे मतलब मत जाइएगा कि मैंने इस ड्रेस पे वेयर करके दिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो सकता है कि यार ड्रेस पे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये गाइस, मैंने यहाँ पे इसको वेयर कर लिया। वेयर करने के बाद का लुक आप देखिए, कितना ज्यादा प्यारा सा लग रहा है ये। मतलब सच में आपको प्यारा सा एक ना शाइन बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल जाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लहंगा साड़ी दोनों पे अच्छे से चला जाएगा। ये है हमारा नेक्स्ट नेकलेस, इसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। ये 2 डिफरेंट कलर्स में और भी अवेलेबल था। इसमें ग्रीन कलर भी मिल जाएगा आपको और थोड़ा सा मल्टी कलर भी मिल जाएगा। ये हमें मिलता है 232 रुपीज़ में। तो गाइज, यहाँ पे आप देखिए, ये मुझे कुछ ऐसा मिला है। ये आपको इसमें नेकलेस मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा है ये। इसकी फिनिशिंग आपको बहुत पसंद आने वाली है। एंड इसके साथ में ना ये इयररिंग्स आए हैं इसके, ये देखिए, इतने छोटे छोटे से। ये जैसे आप फोटो में देखते हो एग्जैक्टली आपको सेम सेट मिलने वाला है, पहला वाला। और ये ना थोड़ा सा ऐसा है जैसे रियल गोल्ड टाइप का होता है ना, उस टाइप की फिनिशिंग दे रहा है। तो मतलब मैं भी आपको वेयर करके दिखाती हूँ इसको भी। इसके बाद में आपको मिल जाएगा ये। ओह माय गॉड गाइस, ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा आया है ये। एग्जैक्टली आपको सेम मिल रहा है फोटो की तरह। ये इसके इयररिंग्स हैं, प्यारे से है ना, क्यूट से इयररिंग्स लग रहे हैं इसके। तो मैं आपको जल्दी से इसको वेयर करके दिखाती हूँ, इस वाले सेट को। सो ये देखिए गाइस, इसका लुक कुछ ऐसा आने वाला है। तो आप सिर्फ इसको भी वेयर कर सकते हो, और बाकी इसके साथ में तो और भी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसको मैं वेयर करके दिखा देती हूँ ठीक से। लग गया। तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। और आपको कैसा लग रहा है? मतलब मुझे अभी ना कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मुझे ना बहुत ज़्यादा सुंदर सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यस, ये आप साड़ी में, जैसे बनारसी साड़ी वगैरह पहनते हो ना, उसमें बहुत अच्छे से जाएगा। जैसे कि कहीं पे किसी के घर में फंक्शन है, पूजा में, कीर्तन वगैरह में जाना है, आप न्यूली मैरिड गर्ल हैं, तो आप एकदम से मतलब इस टाइप की जो ज्वेलरी है ना वेयर करके जाओगे, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन लगेगा। मतलब ऐसी लग रही है कि जैसे रियल सी होती है ना, उस टाइप की है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ना, जैसे आपकी जो ड्रेस होगी उसके अकॉर्डिंग कलर आप देख लीजिएगा कि आप कौन सा वाला कलर लोगे। तो गाइस, सच में आप इसको प्राइस रेंज में ले सकते हो। बाकी मैं आपको दूसरा इसके साथ के जो इयररिंग्स है वो वेयर करके दिखा रही हूं। ये इन इयररिंग्स को वेयर करने के बाद का लुक। मैंने ना छोटा सा मिरर लगाया हुआ है, मैं बस इतना देख पा रही हूँ मतलब कि, पर मैं आइडिया नहीं लगा पा रही कि कैसा लग रहा होगा। वो आपको शो हो रहा होगा कि जैसा आपके एक्सपेक्टेशन है कि वैसा आपको मिल रहा है लुक या नहीं मिल रहा, तो तभी आप बाय करिएगा। वैसे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है कि मैं तारीफ़ कर रही हूँ तो आप बाय करो, और मतलब ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो अब हमारे नेक्स्ट नेकलेस पे बढ़ते हैं। ये छोटू सा मैंने नेकलेस का सेट मंगाया था, पर्ल वाला। जैसे कि जब हम सिंपल सोवर वाला लुक क्रिएट करते हैं ना, जैसे प्लेन सी साड़ी हो, इसमें आपको ना छोटे से पर्ल वाले इयररिंग्स भी मिल जाते हैं, छोटे छोटे से हैं। सो ये देखिए गाइस, इसका लुक कुछ ऐसा आने वाला है। इसकी जो लेंथ मुझे चाहिए थी वो परफेक्ट आई, एंड पर्ल की क्वालिटी भी अच्छी है। और जो मैंने प्राइस में इसको लिया है, आपको सच में पसंद आएगा इस प्राइस रेंज में। नेक्स्ट नेकलेस होने वाला है ये। ये मेरा फेवरेट है, मैंने इसको बहुत लेट कर दिया मंगाने में। मैं इसको हमेशा ना देखती ही रहती थी उसमें विश लिस्ट में कि यार रेटिंग कितनी अच्छी जा रही है इसकी, बढ़िया है, थोड़ा सा प्राइस कम हो जाए तब मंगाऊँगी। तो मैंने इस बार इसको मंगा ही लिया। तो ये देखिए गाइस, इस नेकलेस को आप प्रीमियम क्वालिटी वाला नेकलेस बोल सकते हो, क्योंकि ये सच में प्रीमियम क्वालिटी का है। ये बहुत ही थोड़ा सा हैवी सा भी है, और जैसे कि आप इसकी खन खन से ये सुन रहे होगे ना, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ हैवी सा है।
तो ये देखिए कुछ ऐसा आएगा, इसमें जो शाइन है एंड जो डायमंड का वर्क किया हुआ है, छोटा छोटा सा डायमंड का वर्क है एंड मतलब ये ना थोड़े हैवी से हैं और क्वालिटी भी आपको अच्छी सी लगने वाली है इसकी। ये गाइस इसके इयररिंग्स आ जाएंगे प्यारे से, ऐसे आएगा ये मांग टीका, मैं आपको ऐसे लगा के दिखा देती हूँ, प्यारा सा लग रहा है ना, हैवी है आप लोग से ही देख रहे होगे तो मुझे ना हल्का सा फील हो रहा है कि मैंने हैवी से इयररिंग्स पहने हुए हैं। सो गाइज ये है इसका फाइनल लुक, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है और मुझे बिल्कुल वेडिंग वाली फीलिंग आ रही है कि मैं तैयार होके वेडिंग में जा रही हूँ। यस गाइज ये सच में बहुत ज़्यादा सुंदर सा है, इसके आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। मुझे एक लाइट पिंक कलर का था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो आप उस पर भी जा सकते हो। ये जो है ना बहुत ही प्यारे प्यारे से नेकलेस है और मुझे लगता है कि कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, तो आप इसे विश लिस्ट में रख सकते हो। अगर आपको अभी इस टाइम पर प्राइस ज़्यादा लग रहा है इस टाइम पे, तो आप बाद में इसको बाय कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, ये भी ना एक तरीके से कॉम्बो ही है, दो नेकलेस मिल रहे थे आपको इसमें, ये मल्टी कलर में है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जब मैंने इनको ओपन किया था ना तो बहुत भारी भारी से लग रहे थे। अच्छा ये ना ऐसे इस टाइप की पैकिंग में आए तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, और जो मतलब ऐसे बॉक्स में आते हैं तो टूटा हुआ है, इस टाइप के बॉक्स में अच्छे से बॉक्स में आते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, दिल खुश हो जाता है कि यार रखने के लिए हमें कुछ मिल गया इसको। अब जैसे ऐसे आ गए, अब मेरे से रखना हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। इसमें आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं, ये तो ये ना हैवी सा लुक क्रिएट करना हो अगर आपको, तो उस वे में आप इसको ले सकते हो। जैसे कि ये है नेकलेस और जो भी मैंने आपको पहले वाला दिखाया था, तो आप ये देख रहे हो कि दोनों कलर ना दोनों मतलब सेम से हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट वाले पैटर्न में आपको मिलेगा। तो इसमें भी ना आप इसको सिंगल एज अ सिंगल भी वेयर कर सकते हो और इसके साथ में भी वेयर कर सकते हो और इसको भी सिंगल भी वेयर कर सकते हो। तो मतलब हम लड़कियां थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके कर ही लेती है जुगाड़। इसका मैं आपको पास से लुक दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा प्यारा सा आया है ना। फर्स्ट टाइम मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि ज्वेलरी मुझे लोकल मार्केट से बहुत ज़्यादा सस्ती लगी है। सो गाइज ये देखिए मैंने इसको वेयर कर लिया है, ये सिंपल आपको जो सिंगल सेट है वो कुछ ऐसा मिलेगा। इसके साथ में ना झुमकी आई है छोटी छोटी, वाओ ये तो बहुत ही प्यारी सी है, ये देखिए है ना, तो इनको हम वेयर कर लेते हैं। तो ये देखिए अब मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ वेयर करने के बाद। आप वेयर करोगे तो साड़ी वगैरह पे किसी अच्छे से सोच समझ के करोगे, जैसे मैंने वेयर किया ऐसे नहीं करोगे ना, तो अच्छे लगने वाले हो गाइज इसमें आप। तो ये देखिए बहुत अच्छा हैवी सा लुक क्रिएट करने वाले हो गाइज इसमें आप, अगर आप इसको बाय करोगे तो। ये देखिए हल्का सा मैंने सिर्फ लगा के देखा है इसको, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा लुक आने वाला है, साड़ी पे भी अच्छा लगेगा और लहंगा पे भी। लहंगा पे मुझे लगता है हल्का फुल्का ही ठीक लगेगा, पर साड़ी के लिए तो बेस्ट है। यस गाइस ये वर्थ इट है, बहुत ही प्यारा सा है एंड ऐसा लग रहा है बिल्कुल जेन्युइन गोल्ड होता है ना, उस टाइप वाली फीलिंग आ रही है। वैसे है तो आर्टिफिशियल ही, बट इसमें आपको ना ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा प्यारे से मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट है ये पार्सल, इसको मैंने अनबॉक्स नहीं किया तो मैं जल्दी से अनबॉक्स कर देती हूँ इसको, तो देखते हैं। तो गाइस ये देखिए ये कुछ ऐसा आया है, और ये इसके एयररिंग्स आ जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने इसको वेयर कर लिया है, वेयर करने के बाद का लुक आप देख सकते हैं, प्यारे से आपको शाइन मिलने वाली है इसमें, डार्क कलर आया है जैसे मैंने सोचा था कि आएगा वैसा ही एग्जैक्टली कलर मिलने वाला है। मुझे ना इस टाइम पे इसको इस प्राइस रेंज में वेयर करके बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन सा लग रहा है कि यार इस प्राइस रेंज में बहुत सुंदर सा नेकलेस आ गया है। इसकी फ़ोटो आप देख लीजिए, कुछ ऐसा लग रहा था ये, और ये ना इस बारे पूरे हॉल का सबसे महंगा नेकलेस है, 500 समथिंग का है ये। और अभी जैसे मैंने इसको देखा अनबॉक्स किया तो मुझे ऐसा लगा कि फ़ोटो के अकॉर्डिंग मेरे पास में छोटा सा रिसीव हुआ है। सो गाइस ये देखिए ये भी एग्जैक्टली आपको सेम मिलने वाला है, बस थोड़ा सा आपको साइज़ इशू लगेगा, क्योंकि मुझे फ़ोटो में देखने से ऐसा लग रहा था कि ये ना थोड़ा सा बिग आएगा, इतना मोटा रखा रहेगा या कुछ इस टाइप से लग रहा था फ़ोटो देख के, बट ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है। और ये आप देखोगे ये इसके एयररिंग्स कुछ ऐसे, मतलब सेम ही जो ये डिज़ाइन है ना वही उसी टाइप में आपको ये एयररिंग्स मिल जाते हैं, प्यारे से हैं ये भी। तो मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा अच्छा सा लगने वाला है इस ज्वेलरी को रिसीव करने के बाद। ये
ये देखिए ये इसका लुक आने वाला है एग्जैक्टली जो आपको मिलने वाला है। मैंने कोई भी फिल्टर वगैरह यूज़ नहीं किया। अब आप बोलोगे मैं इसकी भी तारीफ़ करूँगी, तो यार बहुत ही प्यारा सा आया है, तारीफ़ करने वाली बात है। प्यारी सी शाइन मिल जाएगी और ये भी मतलब आपको सेम एग्जैक्टली मिल जाता है जो आप फ़ोटो देखते हो। क्वालिटी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। सो इसके बाद में मैं 20 साड़ी हॉल शेयर करने वाली हूँ। 10 पार्टी वेयर साड़ीज़ होंगी, 10 फेस्टिव वेयर वाली होंगी। तो वो मैं भी इस टाइम पे एडिटिंग ही कर रही हूँ उसकी, तो इसके बाद में वो हॉल शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं ये ज्वेलरी वाला शेयर करूँगी, तो वो हॉल ज़रूर से देखिएगा। सो गाइज़ फिर मिलते हैं मेरी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।